ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट को कांग्रेस क्या विधानसभा चुनाव में उतारेगी, इसे लेकर कुछ समय से चर्चा जोरों पर है। इसी बीच कांग्रेस का कहना है कि वो मंगलवार को साफ कर देगी कि विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा या फिर नहीं। ओलंपिक में अधिक वजन पाए जाने के चलते गोल्ड मेडल मुकाबला न खेल पाने के बाद लौटे विनेश फोगाट के समर्थन में एक रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ नजर आए। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि हम विनेश फोगाट का सम्मान करना चाहते हैं, यदि हमारे पास एक भी राज्यसभा की सीट हरियाणा में होती तो हम विनेश फोगाट को मौका दे देते। ऐसे में विनेश फोगाट को विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस की ओर से उतारा जा सकता है। सोमवार को कांग्रेस की चुनाव समिति की मीटिंग थी। इसके बाद पार्टी महासचिव दीपक बावरिया ने कहा कि हम इस बारे में आपको मंगलवार को बता देंगे। पार्टी का कहना है कि करीब 30 नामों पर फैसला हो चुका है। राज्य में कुल विधानसभा सीटें हैं और इस बार पार्टी अकेले ही चुनाव में उतर रही है। वहीं एक बड़ी खबर थी कि मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से ये भी कहा कि यदि आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए तो कैसा रहेगा। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने नेताओं से कहा कि वे इस बात पर विचार जरूर करें। आज ही इस बात पर भी चर्चा होनी है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को भी चुनाव में उतारा जाए या फिर नहीं। शैलजा तो सीएम पद के लिए दावेदारी करती रही और वहीं चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं। इसके अलावा सुरजेवाला भी इसके लिए तैयार दिख रहे हैं। तो वहीं इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में कहना है कि सुरजेवाला की जगह पर उनके बेटे को ही चुनाव में उतार दिया जाए। माना जा रहा है कि हुड्डा खेमे में सुरजेवाला को दूर रखने के लिए ऐसा सुझाव दिया। यदि बेटा चुनाव में जीतकर विधायक बन जाता तो मंत्री बनने से ज्यादा एक दाव नहीं कर पाएंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अजय माखन स्क्रीनिंग कमेटी ने 39 सीटों की लिस्ट तैयार की है, इनमें से 30 पर फैसला हो चुका है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।